हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं जीएसई की 2021 के बारे में, जिसे हम गुजरात एसई की 2021 भी कहते हैं। तो आज हम इस स्टूडियो में जीएसई 2021 के बारे में हर एक चीज डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से हम सबमिट कर सकते हैं, किस तरह से उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, जीएसई की 2021 का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन जीएसई 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज फुल डिटेल में हम जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर जीएसई की 2021 का कोई भी नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जो है नोटिफाई कर पाए, आपको अपडेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसई की 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है या एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे कि जो जीएसई का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है या एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो इससे यह होगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट से पहले पता चल जाएगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है या एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और उसी के साथ साथ वीडियो की मदद से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही आसानी से जो है भर भी पाएंगे। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जीएसई की 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको सिंपली अपने किसी भी ब्राउजर पे google.com को जो है ओपन कर देना है। जैसे ही आपका google.com ओपन हो जाएगा तो आपको वहां पे सर्च करना होगा cpet.co.in। जैसे आप cpet.co.in सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको गूगल में दिखेगा, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप उस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये cpet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको जीएसईटी के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। और एक चीज़ और अच्छी है इस वेबसाइट की, ये जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट के साथ रेगुलरली बेसिस पे जो है वो अपडेट होती रहती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप जीएसईटी के बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे साइड में जो सर्च बार दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे आना है और वहाँ पे आके आपको जीएसईटी जो है वो सर्च कर लेना। तो जैसे आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी गुजरात एसईटी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि जो जीएसईटी का फुल फॉर्म है वो है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और टोटल जो सब्जेक्ट्स है जीएसईटी में वो 23 सब्जेक्ट्स और 11 सेंटर्स है, 12 ये एग्जाम सेंटर्स है। उस 11 एग्जाम सेंटर्स में जो है जीएसईटी यानी कि गुजरात एसईटी का जो एग्जाम कंडक्ट होता है। और अगर आप जीएसईटी को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप गुजरात स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स है उन सब में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम जानेंगे जीएसईटी के थोड़े हाईलाइट्स के बारे में, लाइक जीएसईटी का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि उसका फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। टाइप ऑफ एग्जाम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेवल ऑफ एग्जाम भी स्टेट लेवल है, एमएससी स्टेट में ही होता है, गुजरात के स्टेट में और कहीं नहीं होता। नेक्स्ट, इसकी कंडक्टिंग बॉडी क्या, मीन्स किसके द्वारा जो जीएसईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कौन होती है। इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी का नाम है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा। तो ये जो है इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है, इसके द्वारा जो है जीएसईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, मीन्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एप्लीकेशन इनका रिलीज होगा, हमें वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फिल आउट करके सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम मोड, तो एग्जाम मोड ऑफलाइन मोड रहेगा, मीन्स जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें एक एग्जाम सेंटर, हमें दो तीन एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने रहते हैं हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें से जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहेगा हमें वो एक एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया जाता है और हमें वहाँ पे जाके जो है हमारा एग्जाम देना रहेगा पेन पेपर बेस्ड। और जो ड्यूरेशन रहेगा, आपको जो टोटल टाइम मिलेगा एग्जाम लिखने के लिए गुजरात एसईटी का, वो आपको 3 घंटे दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर खत्म करना है। फिर यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात एसईटी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हेल्पलाइन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत फेस हो रही है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उनका टेलीफोन नंबर दे दिएगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो उनसे जो है ईमेल के द्वारा, जीमेल में के भी आप उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्विक लिंक्स के सेक्शन पे। तो ये क्विक लिंक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप में से किसी को भी अगर कोई और टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइक अगर मुझे एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल में जानना है तो मुझे क्या करना होगा, उसके सामने जो क्लिक है लिखा हुआ है सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो गुजरात एसईटी का एग्जाम पैटर्न है उसका एक नया पेज ओपन हो जाएगा गूगल में, और वहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में बताई हुई रहेगी। उसी तरह से आपको अगर जो कोई और चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है, इसका भी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस है, एडमिट कार्ड है, एग्जाम सेंटर है, आंसर की है, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है आप उसके सामने क्लिक करके उस पर जाके उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स में, तो यहाँ पे आपको हर एक इवेंट की इंपॉर्टेंट डेट दे दी है। लाइक एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो 2nd week of April से चालू हो जाता है, फिर उसी के साथ जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो भी एग्जाम के एक हफ्ते पहले रिलीज हो जाता है। और ज़्यादातर जो गुजरात है SET का जो एग्जाम है वो 7 September में जो है शुरू हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हो तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है या फिर अगर आप कोई गलत फेक डिटेल्स भर देते तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के कई स्टेप्स है। लाइक पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको लॉगिन करके जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तब आपको जो है आपसे बहुत सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी। लाइक आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी का, आपके मदर का नाम पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, और ईमेल एड्रेस आपको वैलिड प्रोवाइड करना है ताकि वो जो अथॉरिटी है वो आपसे अगर कम्युनिकेट करना चाहे तो ईमेल एड्रेस के थ्रू कर सके। उसके बाद आपको जो है आपका फोटो आईडी और आपका जो सिग्नेचर रहेगा उसे स्कैन करके अपलोड करना रहेगा, और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फ़ी भरना रहेगा। तो ये सब पूरे प्रोसेस में कई कैंडिडेट्स को कई जो परेशानी दिक्कत है वो फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि क्योंकि हम जो GSET एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। तो जब भी हम ये वीडियो बनाएंगे तो आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको ये हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। हम उस वीडियो में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी बताएंगे आपको, जो आपको फोटो आईडी और जो सिग्नेचर अपलोड करना है स्कैन करके वो किस तरह से करना है आपको वीडियो में वो भी बताया जाएगा। तो आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं होगी, तो आप मेक श्योर करें आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखा हुआ हो। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर आप बिलोंग करते हैं नॉर्मल जनरल कैटेगरी से तो आपकी जो फ़ी है वो रहेगी 800 rupees, और अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PH या VH या तो फिर ट्रांसजेंडर अगर आप कैंडिडेट है तो आपकी जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 700 rupees। 800 जनरल कैटेगरी के लिए है, और जो बाकी के जो कैटेगरी मैंने अभी बोला SC ST PH VH और ट्रांसजेंडर उनके लिए जो है टोटल 700 फीस रहेगी उन कैटेगरीज के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गुजरात SET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उसके ऑफिशियल्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया आपको उसे सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो जो आप जो है गुजरात SET के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए गए, इसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और किन सब्जेक्ट्स में, या तो साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में या साइंस साइंटिफिक डिसिप्लिन में या इंजीनियरिंग साइंस में, या तो फिर उसी के लेवल की कोई दूसरी डिग्री रहनी चाहिए, और आपके जो मिनिमम परसेंटेज रहनी चाहिए डिग्री के मास्टर्स डिग्री के वो 55% रहनी चाहिए, उससे कम नहीं रहनी चाहिए, तो ही आप जो है उसके लिए जो एप्लीकेबल रहोगे गुजरात SET का एग्ज़ाम देने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट लिंक्स पर जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल में। अब हम जानेंगे GSET के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो गाइस, एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी पेपर के लिए हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, हाई ग्रेड चाहते हैं, तो उसके लिए आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप जो है उसके लिए जो प्रिपरेशन जो बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो मैं बता दूं कि जो GSET है वो 2 papers में डिवाइड हुआ है, paper 1 और paper 2। paper 1 में आपको कुल मिला के 50 questions पूछे जाएंगे, और 50 के 50 जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। paper 2 में आपको जो है 100 questions पूछे जाएंगे, और 100 के 100 questions करना आपके लिए अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। paper 1 जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 100 marks रहेगा, और paper 2 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 200 marks का रहेगा paper 2। तो इसका मतलब ये कि जो एक क्वेश्चन जो है वो आपके 2 marks का है, मीन्स paper 1 में भी आपका एक क्वेश्चन 2 marks का है, और paper 2 में भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 marks का रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे MCQ type। MCQ type मीन्स मैं बता दूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के आपको टोटल 4 options दिए जाएंगे, उस 4 options में से जो भी आपको आंसर सही लगता है आपको उस पर सिंपली टिक कर देना है, और इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको 2 marks मिलेगा, और अगर आप गलत उत्तर देंगे, गलत आंसर देंगे, तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी तरह से सिलेबस भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। टोटल जो 23 subjects में ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जो एग्जाम 23 subjects रहते हैं वो 23 subjects यहाँ पे आपको बताए दिए गए हैं। और इसी के साथ इसका जो सिलेबस है वो UGC NET और CSIR NET जो एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस की तरह ही है, सेम टू सेम पूरा सिमिलर है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसके सिलेबस के बारे में भी हम आगे वीडियो डालने वाले हैं तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है,
क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो है एग्जाम देने नहीं मिलेगा GSET का। एडमिट कार्ड में जो है आपकी पूरी डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ रहता है, आपका सिग्नेचर रहता है, आपका नाम, और उसी के साथ साथ जो एग्जाम आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम रहेगा, उसका डेट रहेगा, उसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आपको मिला है वो नाम, एग्जाम सेंटर का नाम रहेगा, हर एक चीज़ आपको एडमिट कार्ड में दी जाती है। तो आप मेक श्योर करिए आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखा और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखा हो ताकि जब भी एडमिट कार्ड निकले तो हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाए कि इसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। अब रिजल्ट के लिए भी सेम मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो जब भी इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे और आप जो अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, जो अपना रिजल्ट जो आराम से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी ये वीडियो देखने के बावजूद अगर आपको GSET के रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।